इंसान की शकल में लोमड़ी है, लोमड़ी एक नंबर। बचे रहियो, नहीं तो तुम्हें खा जाए। खा लो लो, खा लो। बचो खा आदमी तो मैं खात कर रही। दिमाग तो पूरा खा ही लो और इंसान शरीर खा लो बस। मैं तो तुम्हारे ये टॉर्चर की वजह से मेरी जिंदगी। कौन सी टॉर्चर? जी देखो, कौन सी टॉर्चर? साक्षात देख लो, साक्षात बेबी सुन रही, भैया भी सुन रहे और हमारे कान तो रोज सुन सुन के ऐसे हो गए कि पक गए। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो गाइस आज हम साधना पर प्रैंक करने वाले हैं, मैं और देव करेंगे। तो प्रैंक ये है कि मैं देव को बोलने वाला हूँ कि यार मैं ना साधना से परेशान हो गया हूँ, तो प्लीज 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 पूरी वीडियो देखो, हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। A few moments later. हे भगवान क्या करूं मैं अपनी जिंदगी में, परेशान हो गया, क्या करूं मैं भगवान, तुम्हें आलेप तुम्हें सब कुछ तुम्हें प्रभु है। क्या हो गया? आप कब आए? अभी आई देव भाई, मैं तो जैसे कि लंदन से आई हूँ। क्या आप कब आए? तो मैं ऐसे कर रहा था ना ऊपर, तो मैं देख ही नहीं पाया आप आ गए। अरे राम देव भाई, मैं तो पता है खाना खा लिया, क्या करेंगे खाना खा के। देव भाई यार मैं ना साधना से बहुत ज्यादा परेशान हो गया यार। हुआ क्या भैया ऐसा? है ऐसा क्या हुआ? क्या हो गया भैया, आप क्यों परेशान हो गए? ऐसा इसलिए हो गया कि लोग कहते हैं कि शादी हो गई फिर शादी के बाद जिंदगी सेटल हो जाती है, तो मेरी शादी हो गई, मेरी शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या बात कर रहे हो यार, पूरा कुछ बोल रहे हो यार। भाभी तो फिर? नहीं भाभी अच्छी नहीं है यार। अच्छा इतनी तो अच्छी है, और क्या चाहिए? नहीं नहीं आपका कितना सपोर्ट? आप लोग देखो, आप लोग हस्बैंड वाइफ, आप लोग देखो, आप लोग रहते हो हस्बैंड वाइफ की तरह, और वो देखो वो ऐसी है कि मुझको ना नौकर समझती है यार। नहीं नहीं ऐसा कैसे कह रहे हो भैया, आप नौकर समझती है तो मतलब कोई इज्जत भी तो होती है। एक बात बताओ, आप भैया से चाचा से बोल जाती हो क्या? नहीं बोलते ना, नहीं। एक बार तो ये सोचते हो ना कि हस्बैंड ने ऐसे नहीं बोलना, सोचते हो ना। लेकिन पर अरे अच्छी है मान लिया आपकी निगाहों में, मेरे लिए अच्छी नहीं है वो, ठीक है। ऐसी क्या बुराई है उनमें जरा बताना आप। बुराई ये है उसमें कि वो बोलने से पहले ये नहीं सोचती कि ये मेरे पति हैं, कुछ भी बोलते हैं मुंह फटे एक नंबर की। एक मिनट कोई भी हो सोचती तो क्या बोलना क्या नहीं। भैया मेरे को भी यहाँ पे 4-5 दिन हो गए, लेकिन मेरे को तो आज तक मतलब अभी तक नहीं नहीं अभी उसने आप लोगों के सामने नहीं बोला, ठीक हाँ। है, लेकिन कभी जब आप लोग चले जाओगे फिर देखना, पता नहीं क्या क्या बोलेगी, देख लेना। ऐसा तो मेरे को तो नहीं लग रहा, वो तो बहुत सीधी है। अरे अब क्या बताऊं मैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गो मैकेनिक के बारे में बताना चाहता हूँ। गो मैकेनिक के 1200 से भी ज्यादा वर्कशॉप्स हैं और इनके 50 से ज्यादा सिटियों में बहुत ही बढ़िया मैकेनिक्स हैं, जहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड करते हैं सर्विस, जैसे कि पीरियोडिक सर्विस, मैकेनिकल रिपेयर, डेंटिंग एंड पेंटिंग, व्हील केयर, कार केयर एंड डिटेलिंग, कार एसी सर्विसेज और गो मैकेनिक माइल्स एनुअल मेंटेनेंस मेंबरशिप भी है, जिसमें AMC कंस्ट्रक्शन पीरियोडिक सर्विस ऑफर होते हैं स्पेशल और डिस्काउंट प्राइस में। ये पैसा भी सेव करता है और बजटिंग भी इजी कर देता है। इसमें आपको एक्सक्लूसिव वर्कशॉप बेनिफिट मिलते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन 30+ सर्विसेज विद इमरजेंसी सपोर्ट अगर आपको जरूरत होगी, तो फ्री रोड असिस्टेंट भी मिलती है। इंट्रोड्यूसिंग गो मैकेनिक एक्सटेंडेड वारंटी, जो इंश्योर करते हैं आप इवन आपका मैन्युफैक्चर वारंटी एंड होने के बावजूद भी आप इंजॉय कर सकते हो वारंटी को अगर आपने सेकेंड हैंड कार ली है तो। टायर एंड बैटरीज भी रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, कार इंश्योरेंस रिपेयर विद 100% जेन्युइन OEM एंड OES स्पेयर पार्ट्स के साथ, 1 मंथ और 1000 किलोमीटर अनकंडीशनल वारंटी भी है। फ्री कार सैनिटाइजेशन हर सर्विस पर है, बुक करो अपनी कार सिर्फ 3 इजी स्टेप्स में, चूज करो अपनी कार, चूज करो अपनी सर्विस, सिलेक्ट करो सुटेबल टाइम, और सबसे बेस्ट थिंग ये है आप 40% सेव कर सकते हो अपनी कार सर्विस पर। गाइस गो मैकेनिक एलिमिनेट करता है अपने सारे मिडिल मैन को, इन हाउस स्पेयर पार्ट का प्रोक्योरमेंट भी होता है, जिससे कि चीप रेट में मिल जाते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को बेनिफिट मिले। गो मैकेनिक के सारे वर्कशॉप पे आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, सेम यूनिफॉर्म रेट्स भी मिल जाएगी, जिससे कि कस्टमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिले हर वर्कशॉप पर। व्हाई टू पैनिक, जस्ट गो मैकेनिक। पता नहीं क्या कह रहे थे, पता बैठ रही वो बिल्कुल देखो देख लो जो देख लो ये इज्जत देख लो तुम ढक कर दिया। और हम मशीन को देखो, तुमने कहा मुझसे बहुत परेशान है, ये तो बहुत अच्छी है कि ये हमें नौकर समझ रही। कहां से नौकर, कौन से तुम काम कर देते हो? तुम्हारी सीख पहली मुतर, तुम ना थोड़ा कम बोला करो, मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ, और तुम लोगों के सामने भी कैसे बोल रहे। सामने नहीं, पता थे क्या कह रहे थे जो बोल रहे थे कि सामने बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने कहा नहीं भाभी बहुत अच्छी है, मैंने ये नहीं बोला करती है।
भैया आपने मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि मैं साधना से, मैंने ये बोला साधना बहुत बुरी है और मैं साधना से बहुत परेशान हूँ, ये बोला। अच्छे से बताओ ना उसको। नहीं, आपने ये बोला था कि साधना बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, ये तो मैंने बोला ही बोला है। मैंने मेरी बिल्कुल बात नहीं मानी, नौकर की तरह। अरे तो भाई बोल रहे थे कि सारे जितने भी लोग रहते ना, उन सब के सामने मेरी बेइज्जती करती है, चाहे हाँ। भाई को ये भी बोला मैंने कि आप बहुत, मैं खुश नसीब हूँ जो सपना जैसी बीवी मिली, और मैं बहुत बदनसीब हूँ। वो भी तो हमारी बहन जो जो बहन है, मान लिया तो जमीन आसमान का फर्क भी तो देखो, तुम तो एक ही कुंभ राशि वाले भी हो। मेरी बात सुनो, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए था। चड्डी तोलिया तक देने हाथ में, मैं किस्मत की झंड मार दी। हाँ, मार दी झंड किस्मत की, जाओ किस्मत तो मैं ही फूट गई। आदमी क्यों शादी के बाद जिंदगी बन गई, किस्मत खुल गई। इतने तुम किस्मत पे ऐसा तारो डालो कि चाबी हरा गई। मेरी किस्मत में तो ऐसा तारो डालो कि मैं अपने माए के जावे खोतारा सही। जी तो ऐसा नहीं देख लिया, फिर भी मैं इनको काम कर रही ले रही, कछु नहीं कहते इनसे। देख लिया, सुना रहे आप उनसे, ऐसे मत बोलो। ये देख लिया, ये गाय जी सकल की भेड़ी है, भेड़ी है। ये नहीं कह रहे जैसे हम अपने माए के भी नहीं जा रहे, जो तुम कह रहे हो वो तुम काम भी कर रहे, मान भी रहे, जो कौन से मतलब की नौकर की तरह है, अच्छी नहीं है। ऐसे मत बोला करो उनसे, अच्छे रिस्पेक्ट किया। ये इंसान के, इंसान की शकल में लोमड़ी है, लोमड़ी एक नंबर। बचे रहियो, नहीं तो मैं खा जाए। खा लो लो, खा ले, बचो खा हूं मैं। तो मैं खात कर रही, दिमाग तो पूरा खा ही लो और इंसान शरीर खा लो बस। सुनो तो कसम से मुझे ना बहुत बुरा लगा था जब आप लगा था बहुत, नौकर की तरह कौन सा काम कर रहे घर को, जो बताओ पहले। भाई तो मैंने बोला था नहीं, यहाँ देव भाई मैं बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी में भैया। मेरी जब से शादी हुई मेरी जिंदगी पूरी ऐसी हो गई कि क्या बताऊँ भैया। वो चीज मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यार आप ऐसी चीज आपको बोलना जरूरी ठीक नहीं था। अभी तक आपकी एक भी बुराई नहीं करी, तुम जो बताओ जी हमारी बुराई कर रहे हैं, मानना है हमें लाख बुराई है, ठीक है, हमने करी नहीं की बुराई। ऐसा नहीं है कि मैं सब लाख नहीं है, एक आध बुराई तो मैं भी उज्जे। सुनो, लाख नहीं है, तुम्हें करोड़ों बुराई, हमने करोड़ों बुराई है, लेकिन तुम में एक भी बुराई ना उज्जे। तुम बिल्कुल बहुत अच्छे हो गए इंसान में, तुम ऐसा हो ही नहीं सकते को मैं कछु बुराई ना हुई है। लेकिन हमने तो तुम्हारी कोनो बुराई नहीं करी, तुम्हारी सबनी तारीफ करी हमने। अरे आप तो बहुत अच्छी हो भाभी, तुम्हारा कौन से मतलब बैठ रहा हो, तुम्हारे तो दो दिन के इलाज यहाँ मेरे रिश्तेदार आए, तुम्हारी बुराई करो। अगर हमने बुराई कर वो चालू कर दी तुम्हारी धर धर मुड़े रो, तुम्हारी जिंदगी खराब हुई। और जिंदगी खराब हो गई, हमें पता है कि हमारे संग काका भाव काका हो रहा हो, जिंदगी हो गई खराब, जिंदगी हो गई खराब। मेरी बात वो तुम सब आ रहे दे रहे, तो खराब हो गई ना हमारी, हो गई बताओ। देखो दोनों की हो गई जिंदगी, भैया आज हमसे या तो या तो पता कौन सी जिंदगी खराब। मेरी बात सुनो, कुंडली मिल नहीं रही, जबरदस्ती करा दी पापा से, पूछना तुम जबरदस्ती शादी हो गई हम लोगों की, पता जो इसकी भी जिंदगी खराब हो गई, मेरी भी हो गई। हम नहीं रोज दुख है ना, हमें जैसे में भगवान ने करा हम वैसे सब झेल रहे, अच्छा हम वही में खुश है हम। अच्छा आओ, तो मैं रोटी नहीं मिला दो टाइम का भी, तो मैं नहीं मिली थी रोटी। हाँ? पर मैं तो तुम्हारे ये टॉर्चर की वजह से मेरी जिंदगी। कौन सी टॉर्चर जी? देखो कौन सी टॉर्चर, साक्षात देख लो, साक्षात बेबी सुन रही, भैया भी सुन रहे, और हमारे कान तो रोज सुन सुन के ऐसे हो गए कि पक गए। अब बताओ यार, अभी बोल रहे ऐसा हो, जानबूझ के कह जाओ, जानबूझ के कहो आदमी सामने के जाए ऐसी है बाबा, ऐसी है भाई, ऐसी है, तो आदमी सुन सुन के कह नहीं। अरे सुनो तो ये आज तो हमसे कह रहे, पता नहीं किस किस से कहते होंगे। आपके सामने इतना बोल रही, अकेले में क्या करती होगी, अंदाजा है आपको? भैया अभी तो नहीं, मैं देखो मैंने आप लोगों को क्यों बताया, मैंने आपको क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया मैं आपको अपना मानता हूँ, ठीक है, इस वजह से मैंने आपको बताया कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं जिंदगी में बहुत परेशान हूँ, ठीक है। मेरी परेशान का आप अगर हल करवा सको तो इसको थोड़ा समझाओ कि ये मेरा दिमाग ना खाया करे, और प्लीज मेरे से थोड़ी सी इज्जत से बात किया करो, बच्चे से बात किया करो, तो करो। लठ नहीं मारता, ठीक है, इसे हमेशा अच्छे से कह, लेकिन इन्हें नहीं है कि आदमी को जो अच्छा अच्छा मिले ना, तो वो अच्छा अच्छा नहीं, वो बाय को साथ नहीं बताना। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ, मैं मतलब वो कौन सा टाइम था, कैसा घटिया टाइम था जिस टाइम पे मैंने इसकी फोटो देख के इसको ये बोल दी थी हर लड़की पसंद है, सही बता रहा। और आज आज मैं सोचता अगर उस टाइम मना कर देता तो आज मैं कितना सुखी और कितना संपन्न होता यार, ये सोचो। हैं, कम से कम यार एक 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 लफ्ज अच्छे से तो बोल दो, तो मैं इतना यार
तुम तो यार आदमी पे यार ऐसे चढ़ के बैठ लगती तो नहीं आप ये ना नहीं, बोल रहे हो। लेकिन भाभी कभी आप भी थोड़ा सा बोल दिया करो तो थोड़ा सा देखना, अगली बार ऐसा मत करना है। मैं बोल रहा ना कि वो लगती नहीं, लगती इंसान है, इंसान की शक्ल में लोमड़ी घुसी अंदर। जो जी जो कौन सी इज्जत से बोल रहा यार, तुम्हें इसलिए बोल रहा की तुम ये तो आपकी गलती है। इज्जत दे रहे थे आपको, मैं इसलिए बोल रहा की मेरी ढंग से बात नहीं करती, उल्टा सीधा बोलती। मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाय दे, हम कहते हैं तू करके बोलते हैं, पूछियो कब हम बोले तू करके गाय नहीं हमने। हेलो देव लो देव देव गाली देव गाली रह गई बस देव। अरे देव ना भैया देव गाली तो रह गई, का बचो बताओ। धक्का तुम दे ही दे, चाहे जैसे तुम बोले ही दे। धक्का तो तुम मजाक मजाक में भी कर देता ही, मजाक में तुम भी जो चाहे कर देता ही। मजाक में तुम जे भी बार खींच देता ही, कहूं जे भी चोटियां ले दे। मजाक में नहीं, तुम मजाक में नहीं करते हो। रहो का तुम मोए दुश्मन हो यार, कितने खुशनसीब हो आप देखो भैया, कितना क्यूट बेबी है, कितनी अच्छी आपकी बीवी और कितने अच्छे आप भी हो। अब जी अब हमारी जी ना जी अच्छी है सका के मोड़ी मोड़ा होना बेबी, और हम भी हो जा रहे हैं, हम भी कौन से बात करे तो ऐसे उल्टे सीधे शब्द करते कहे की इनसे सीख रहे हैं हम। नहीं भैया आप थोड़ा सा दोनों मिलके है ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे एक हाथ से ताली नहीं बज पाऊ। ठीक है हम कितनी कोशिश कर लें, जब जी ना करें तो कैसे हो पाए। वो दोनों करना पड़ेगा भैया, वो नहीं करती है। आप थोड़ा सा करो एडजस्ट, वो नहीं करती है। हम एडजस्ट नहीं कर रहे, हमारे बाप ने जो करो मुंबई में खुश है, हम एडजस्ट नहीं कर रहे। एडजस्ट के जितने सिर्फ ना दिमाग से ऐसे दिमाग से दिल से रिश्ते ना नवा जाए, दिमाग से रिश्ते नवा जाए। लेकिन कचु कह दो हम अपने बाप की अकेली हैं, जैसा कि जो दुनिया में जे भी है जे ही अकेली हूँ अपने बाप की, और मोनिया को नहीं अकेली तो वही पापा की परी बनी फिर रही थे हमारे। आप अब थोड़ा सा समझ नहीं यार, मैं परेशान हो गया यार। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीजें, मैं अपना मानता हूँ, आप थोड़ा इसको समझाओ। इसके दिमाग में जो घुसा भरा है उल्टा सीधा बोलते ही हो, हमारे बाप बताएगा सो गए थे तो हमसे उल्टे सीधे भी बोल सकते हैं। आप मत जवाब दिया, अभी मैंने कुछ गलत बोला इनके पापा के बारे में? इनके पापा अबे नहीं बोला सो, अबे हम लोग पापा के बारे में नहीं बोला, पापा की परी बोला उन्होंने, आपके बारे में बोला है। हाँ जो पापा की परी बनी फिर तो ठीक है, जो ही समझा तुम तो पापा की परी है जी, अकेली है ना अपने पापा की लड़की, इस वजह से अपने आपको ना बहुत बड़ी वो समझती है। तो वो ऐसी वहां होगी लाडली प्यारी, और ऐसी यहाँ के बन रही, यहाँ तो पति के घर में तो थोड़ा बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एडजस्ट करना पड़ता है भाभी ससुराल में आके। हमने पूरा बदलो ठीक है, हमने पूरा बदलो ठीक है। अब आजकल की मोनियन को देख लो, इन्हीं से देख लो जो दो महीना रोक के आई जे, पूछ लो अबे उनसे। तो घरे छोड़े वाली बात ही नहीं हो रही, काहे नहीं छोड़े, काहे नहीं हो रही छोड़े वाली बात, बात नहीं हो रही। एक महीना रुक के आए, एक महीना रुक, एक महीना कछु दिन कह रही थी तो मैं डेढ़ साल ही नहीं गई थी, डेढ़ साल में हम भी गए थे। तो एक महीना डेढ़ साल में हम भी गए थे, एक महीना कछु दिन काहे जोड़ रही, तुम तो टाइम भी जोड़ लो, मिनट जोड़ लो, सेकंड भी जोड़ लो उनके। बाकी भी तब भी तो कुंभ राशि है, वो है तब भी तो एक भी अच्छी है जी अच्छी है, तब हमें भी अच्छा बनाओ सेकंड जोड़ो। इंसान जब दूसरे के लिए कछु कर तब सामने वाले से उम्मीद रखे कि जो हमसे अच्छा कर रहा हो ठीक है, जब दूसरे को इंसान कर पा तो तुम का क्या वो चाह रही कि मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ा सो तुम मुझे ढंग से बात नहीं कर। कौन से लठ मारा था तुम्हें, कौन से लठ मार रहा है रोजीना बताओ कि तुम्हें घर से बाहर लट्ठी तो नहीं मार रही, लट्ठी तो नहीं मार रही और बाकी सब कर रही तुम ठीक है। अब देखो मुझे यार टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करना, अगर मैंने अपने रिश्तेदार ना तुम्हारी बुराई चालू करी ना, बुराई चालू करी तुम्हारी, देखो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, हाँ जोड़ रहा तुम्हारे प्लीज। मैं भी करूँ शौक नहीं है तुमसे बात करवे की ठीक है। अरे भाभी यार भाभी, अरे जान दे आ जाओ, बैठी ये नहीं कह रहा वहाँ चले जाओ, मुझसे बात मत करो अभी, थोड़ी देर में आ जाना, मैं लोगों से थोड़ी बात कर रहा हूँ, जाओ। नहीं नहीं आपने इज्जत बची खुशी धबुआ देखो कैसे बोले, देखो औकात जैसे सब्जी यूज कर रही है, आपने बोला कभी औकात पति है? नहीं नहीं इनको बोला कभी औकात शब्द बोला? नहीं बोला, बेकार था ऐसी बुराई सामने बीच में घर में दो ही आदमी, इनके बीच में कछु भी बात हो तीसरे आदमी। मैंने अभी क्या कहा, मैंने प्यार से कहा चले जाओ भाई, वो भी कम नहीं है, वो भी ऐसे ही करते थे बैठे हुए चुपचाप बिल्कुल, जो करते नहीं हो क्या? तो ये तो ये भी बहुत कम नहीं, चुगल खो रहे एकदम। मेरी बात सुनो, पर ऐसे शब्द यूज तो नहीं करते आप? मैं नहीं करती, नहीं करते ना। एक मिनट, अभी ये कह रही कि ये भी सुधरे नहीं है, अभी मैंने इसको यही तो बोला प्लीज हाथ जोड़ के चले जाओ, फिर इसने मुझसे औकात वाला शब्द क्यों बोला? तुम जा कह रहे हैं ना कि इनसे हमें कछु बात है करने, ठीक है आज तुम्हें तुम्हारी हाव में हाव भर रहा है, कल ले जाके भाई हंसी उड़ा गए सारन की कैसी होती है, आदमी की नहीं बनता नहीं, ऐसा नहीं। बात ये है, बात ये है, अभी मैंने इससे कुछ गलत नहीं बोला, फिर भी ये मेरे से गलत बोली, ऐसी हमेशा करती है मेरे साथ ठीक है। तुम भी खूब गाय दे
तो भाभी भाभी अवनी की भाषा में उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। लेकिन लेकिन ये बात साथ है, ये मेरे से गलत बोलती, मेरी जिंदगी खराब नहीं है ना, मैं परेशान हूँ जिंदगी में, बहुत खुश हूँ ठीक है, पर कभी कभी थोड़ा सा गुस्से में इधर इधर हो जाती है, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है मेरी बीवी, इस दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है मेरी बीवी, बहुत प्यारी है। हाँ माना, मजाक कर रहे हैं, हाँ माना, मेरी बीवी की दाढ़ी मूछे आती है तभी तो सबसे अच्छी है, अनोखी है कि नहीं, देखो कितनी बड़ी बड़ी। तो भाभी देखो मजाक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे, कर रहे थे आपके साथ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी देखो वहाँ कैमरा लगा रखा, देखो पर्दे के पीछे, हाय बोल दो एक बार, हाय बोल दो, हाय बोलो, हाय, हेलो गाइस, तो कैसा लगा हमारा प्रैंक, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली ख्याल रखो, सभी को राधे राधे, बाय बोल दो, वहां से बाय बोल दो, बाय।